पुलिस किसी को बंधक बनाए ये तो आपने हजार मर्तबा सुना होगा, लेकिन पुलिस खुद ही बंधक बन जाए ये शायद ही सुना होगा। जी हाँ, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस के साथ हाथापाई कर लोग उन्हें बंधक बना लिया। दरअसल मामला है कानपुर देहात के भौरा और गुलाबपुरवा गांव का। यहाँ की युवा सेना में भर्ती होने के लिए GIC मैदान में दौड़ लगाने जाया करते हैं। करीब 3 दिन पहले दोनों गाँव के युवाओं में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि 20 मार्च को दोनों पक्षों में फिर से लड़ाई हुई। जब मामला हाथ से निकलता नजर आया तो वहां पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची थी मामला सुलझाने, लेकिन बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पुलिस खुद ही उस मामले में उलझती नजर आई और आखिर में हुआ ये कि वहां पर मौजूद लोगों ने पुलिस से हाथापाई कर उन्हें बंधक बना डाला। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि 3 पुलिस कर्मियों को बचाने के लिए CO अकबरपुर समेत 3-4 थाने की फोर्स मौके पर पहुंची और घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती करवाया। इस पूरे मामले पर SP घनश्याम चौरसिया का भी बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि मारपीट के बाद एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और करीब 40 से 50 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अरूला के भौरा कला गांव के गुलाबपुरवा मुजरे में कल 2 युवकों के आपस में मारपीट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। ऑन मोबाइल के 2 हेड कांस्टेबल और उप निरीक्षक तथा 112 की मोबाइल भी मौके पर पहुंचे थे। इस बीच गांव वालों ने पुलिस को घेर करके उनके साथ मारपीट की और उनको गंभीर चोटें पहुंचाई हैं। एक दीवान के सर पर चोट है और एक हेड कांस्टेबल को पैर में और पीठ में डंडे और पत्थर की चोट लगी है। इस संबंध में उप निरीक्षक द्वारा थाना हाजिर पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और इस बीच क्षेत्राधिकारी ने मौके पर पहुंच करके कार्रवाई की, जिसमें एक युवक की गिरफ्तारी की गई है। शेष जो करीब 40-50 की संख्या में गांव वाले थे या इससे भी अधिक रहे होंगे, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है और नियमानुसार कार्रवाई करते हुए इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानपुर देहात से सूरज की रिपोर्ट, UP तक।